दोस्तों, हाल ही में मैंने लपा छपी नाम की एक मराठी हॉरर ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2016 में रिलीज हुई थी और इसे विशाल फूडिया ने डायरेक्ट किया है। लपा छपी को IMDb पे मिले हैं 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 विथ 95% गूगल यूजर्स वोट। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर लपा छपी मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड थियरीज पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक प्रेग्नेंट औरत को किसी खेत में भागते हुए देखते हैं और ये औरत भागते हुए गिर जाती है। फिर यहाँ तीन छोटे लड़के आते हैं जो उस औरत को एक नाइफ देते हुए कहते हैं कि हमें तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना है। ये औरत उनसे वो नाइफ ले लेती है और खुद को पेट में स्टैब करती है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है जहां हम एक कपल नेहा और तुषार को एक कार में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि नेहा 8 months प्रेग्नेंट थी। ये दोनों शहर से दूर तुषार के एक जान पहचान के आदमी भाव राव के साथ उसके गांव जा रहे थे। भाव राव तुषार की मदद करने के लिए तैयार था और उन्हें गांव में अपने घर पर रखने का प्रबंध कर चुका था। दरअसल तुषार पे कुछ कर्जे वगैरह चढ़े हुए थे जिन्हें वो चुका नहीं पाया था, तो इसी वजह से उसकी हाथापाई हो गई थी और इस सब से बचकर भागने के लिए वो भावराव से मदद मांगता है और उसके गांव जाने का डिसाइड करता है। नेहा तुषार के इस डिसीजन से खुश नहीं थी क्योंकि एक तो 8 महीने की प्रेगनेंसी में वो लोग यहाँ से भाग रहे थे और दूसरा तुषार किसी पे भी भरोसा करके उनके साथ उनके गाँव जाने के लिए रेडी हो गया था। खैर, कुछ देर बाद वो लोग भावराव के गांव पहुंच जाते हैं, जहां भावराव उन लोगों को एक खेत के पास उतार कर यहां से उसके घर तक का रास्ता समझाने लगता है। इसी बीच यहां एक आदमी आता है जो नेहा को कुछ स्ट्रेंज तरीकों से घूर रहा था। भावराव उस आदमी को यहां से डांट कर भगा देता है और वो नेहा को बताता है कि वो आदमी थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है। यहां से तुषार और नेहा खेत के रास्ते से भावराव के घर के लिए चल देते हैं और भावराव गाड़ी पार्क करने चला जाता है। खेत के रास्ते चलते चलते वो लोग थोड़ा भटक जाते हैं और तुषार नेहा को बिठाकर खुद रास्ता ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी देर तक तुषार के वापस ना आने से नेहा परेशान हो जाती है और वो तुषार को खोजने निकल जाती है। थोड़ा आगे चलने के बाद नेहा को खेत के बीच एक पुराना घर दिखाई देता है। नेहा घर के अंदर देखने जाती है पर वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही नेहा टर्न करती है उसके पीछे एक ओल्ड लेडी खड़ी थी जो कि नेहा को देखकर हंस रही थी। तभी वहां तुषार भी आ जाता है जो नेहा को बताता है कि इस लेडी का नाम तुलसाबाई है और ये भावराव की वाइफ है और ये इन्हीं का घर है। शाम को भावराव भी यहाँ आ जाता है और खाने के दौरान नेहा तुलसाबाई से पूछती है कि क्या वो लोग यहीं रहते हैं, जिस पर तुलसाबाई उसे बताती है कि वो लोग इस घर को 10 साल पहले ही छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने इस घर को तुषार और उसके लिए ही आज खोला है। वो बताती है कि यहाँ पहले भावराव का छोटा भाई केदार राव रहा करता था, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद से ही उन्होंने ये घर छोड़ दिया था। वेल, खाना पीना हो जाने के बाद भावराव और तुलसाबाई अपने घर निकलने लगते हैं और तुलसाबाई नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ आने का बोलकर जाती है। तो अगली सुबह नेहा उठती है और घर के बाहर तुलसाबाई और भावराव को देखती है। तुलसाबाई ने घर का सारा काम कर दिया था और भावराव तुषार और नेहा को रेडी होने के लिए कहते हैं क्योंकि आज वो उन्हें अपना खेत दिखाने ले जा रहे थे। नेहा रेडी होकर बाहर आती है और यहाँ दरवाजा बंद करते वक्त वो अपने रूम के ऊपर एक विंडो को नोटिस करती है जिसकी दूसरी तरफ एक और रूम था। नेहा उस रूम को देखने जाती है जो कि घर के पीछे बना हुआ था और ये रूम खाली पड़ा था। यहाँ से टर्न करने पर नेहा नोटिस करती है कि इस रूम के दरवाजे के ठीक सामने एक रास्ता खेत में जा रहा था और उस रास्ते पे जाने के बाद नेहा एक पुराने कुएं के पास पहुँचती है जो कि काफी स्ट्रेंज नजर आ रहा था। नाउ उस रात तुषार नेहा को बताता है कि वो एक दिन के लिए शहर जाएगा एंड नेहा इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उसके जाने के बाद वो यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी। एनीवेज, अगली सुबह तुलसाबाई नेहा को एक चालाक कौवे की कहानी सुनाती है। वो कौवा एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे देता है, लेकिन कुछ दिन बाद इसी पेड़ पर एक सांप आता है जिसकी नजर उसके अंडों पर थी। पासी एक मैना अपने घोंसले में अंडे देती है जिससे बड़ी चालाकी से कौवा अपने अंडों से बदल देता है और नेक्स्ट डे वो सांप उसके अंडे खा जाता है, जिससे कौवे के अंडे बच जाते हैं और सांप मैना के अंडे खा गया था। अब दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि तुलसाबाई ने नेहा को ये अजीब कहानी क्यों सुनाई। खैर, पूरा दिन तुलसाबाई नेहा का ध्यान रखती है, उससे बातें वगैरह करती है और शाम को वो नेहा को एक साड़ी भी एज ए गिफ्ट देती है।
रात को तुषार और नेहा की बातचीत से हमें पता चलता है कि तुषार को नेहा से एक लड़के की उम्मीद थी, जिस पर नेहा तुषार को बताती है कि लड़का हो या लड़की उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उनका बच्चा उनके जीवन में एक ब्लेसिंग है। और यहाँ एज अ व्यूअर हम नोटिस करते हैं कि उन दोनों की बातों को कोई छिपकर सुन रहा था। अगली सुबह नेहा बाहर एक औरत को कुछ टहनियां तोड़ते हुए देखती है और यहां हम नोटिस करते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। अब इससे पहले नेहा उससे कुछ बात करती, तुलसा बाई यहां आ जाती है और नेहा को बताती है कि ये औरत उसके छोटे बेटे प्रताप राव की वाइफ लक्ष्मी है। प्रताप राव अब यहाँ नहीं रहता है और वो शहर चला गया है। लक्ष्मी के साथ एक बुरा हादसा हुआ था जहाँ अपने 8वें महीने की प्रेगनेंसी में अचानक ही उसका बच्चा मर गया, जिसके बाद से लक्ष्मी को शॉक लग गया था और वो अब कुछ बोल नहीं सकती। अब पूरे दिन नेहा नोटिस करती है कि तुलसा बाई लक्ष्मी के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी एंड लक्ष्मी भी जब जब नेहा को देख रही थी तो ऐसा लग रहा था ऐसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो। तुलसा बाई लक्ष्मी का ये बिहेवियर नोटिस करती है और उसे यहाँ से भगा देती है। शाम होने के बाद तुलसा बाई भी यहाँ से चली जाती हैं और उनके जाने के बाद नेहा को मेन डोर पर किसी की नॉक सुनाई देती है। नेहा जाकर चेक करती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। बट जैसे ही नेहा टर्न करती है हम दरवाजे के पास किसी बच्चे को भागते हुए देखते हैं। नेहा उसकी आवाज़ सुनकर उसके पीछे जाती है और एक बार फिर वो नेहा के सामने से भागता है। इतने में ही तुलसा बाई यहाँ आ जाती है और नेहा उसे इस इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर तुलसा बाई उसी पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उसे इन बच्चों से घुलना मिलना नहीं चाहिए। आज वो एक बच्चे से प्यार से बात करेगी तो कल दो और बच्चे यहाँ आ जाएंगे। नेहा को तुलसा बाई की ये बात काफ़ी अजीब लगती है। खैर बीच रात में नेहा की नींद खुलती है और वो जमीन पर तुलसा बाई का बिस्तर खाली देखती है और अचानक ही उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ जाती है जहां तुलसा बाई उसके पैरों के पास चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी एज इफ वो पहरा दे रही हो। अगली सुबह अगेन नेहा को दरवाजे के बाहर वही बच्चा दिखाई देता है जो लास्ट नाइट घर के बाहर नॉक करके भागा था। नेहा उस बच्चे के पीछे पीछे घर के पीछे वाले रूम की तरफ जाती है जहां उसे उस बच्चे के साथ दो और बच्चे भी दिखाई देते हैं जो कि एक रेडियो पर कुछ सुन रहे थे और नेहा को देखते ही वो बच्चे यहां से भाग जाते हैं। नेहा उस रेडियो को उठा लेती है जिसमें उसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है। इतने में ही उन तीन बच्चों में से एक नेहा को छूकर भागता है और वो बच्चे नेहा के साथ लुका छिपी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। नेहा उन बच्चों को पकड़ने जाती है और हम उन बच्चों को एक दीवार के पीछे छिपते हुए देखते हैं जहां उनके साथ एक घोस्टली फिगर भी दिखाई देती है। जैसे ही नेहा यहां आती है वो बच्चे और वो घोस्ट यहां से गायब हो जाते हैं। नेहा उस रेडियो को देखने लगती है और इतने में ही यहां तुलसा बाई आ जाती है और वो नेहा के हाथों में वो रेडियो देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसके मना करने के बाद भी वो उन बच्चों के साथ घुल मिल रही थी, और इतना कहकर वो नेहा के हाथों से वो रेडियो लेकर फेंक देती है। नेहा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और तुलसा बाई एंड नेहा में कहासुनी होने लगती है और इस कहासुनी में तुलसा बाई नेहा को बोलती है कि वो किसी काम की नहीं है क्योंकि तुषार को उससे एक लड़के की उम्मीद थी लेकिन उसके पेट में एक लड़की पल रही है। नेहा तुलसा बाई के रूड बिहेवियर से नाराज हो जाती है और घर का दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। अब तुषार के वापस आने पर इससे पहले नेहा कुछ बोलती उससे पहले तुलसा बाई तुषार से कहने लगती है कि वो नेहा का ध्यान रख रही थी फिर भी नेहा ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। नेहा भी तुषार को सच बताने की कोशिश करती है बट तुषार नेहा को तुलसा बाई से माफ़ी मांगने के लिए कहता है क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी। नेहा उनकी उम्र का तकाजा रखते हुए उससे माफ़ी मांग लेती है पर उसके जाते ही नेहा तुषार को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि तुलसा बाई उसके पेट में पल रहे बच्चे से जलती है क्योंकि उसकी खुद की बहू लक्ष्मी कभी माँ नहीं बन सकी। नेहा तुषार को यहाँ से अभी इसी वक्त चलने के लिए कहने लगती है और तुषार को उसकी बात मानकर यहाँ से रात में ही जाने के लिए रेडी होना पड़ता है। अब जैसे ही वो लोग बाहर अपना सामान लेकर निकलते हैं वैसे ही भाव राव तुषार के सर पर एक स्टिक से हिट करके उसे बेहोश कर देता है और तुलसा बाई भी नेहा के ऊपर कुछ फूंक देती है जिससे नेहा भी बेहोश हो जाती है। जब नेहा को थोड़ा बहुत होश आता है तो वो अपने आप को किसी हवन में बैठा हुआ देखती है। उसके कपड़े भी चेंज हो चुके थे और वो उसी साड़ी में थी जो तुलसा बाई ने उसे एज ए गिफ्ट दिया था। यहाँ वो हवन के पुजारी को भी देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे हमने उस दिन नेहा को घूरते हुए देखा था जब वो और तुषार यहाँ पहली बार आए थे। वो पुजारी कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर तीन उंगलियां दिखाता है और इसके बाद हवन खत्म होने पर तुलसा बाई नेहा को बेड से बांध देती है। यहाँ तुलसा बाई नेहा को कुछ साल पहले की बात बताती है जब भाव राव के छोटे भाई केदार राव की शादी कावेरी नाम की एक औरत से हुई थी। उस समय तुलसा बाई के खुद के चार बच्चे थे और यहाँ हम देखते हैं कि वो तीन छोटे बच्चे जो नेहा के साथ लुका छिपी खेलने आए थे वो दरअसल तुलसा बाई के मरे हुए बच्चों के ही घोस्ट थे।
तुलसाबाई का बड़ा बेटा प्रताप राव ही इकलौता जिंदा बचा था। फिर तुलसाबाई नेहा को बताती है कि कावेरी के आते ही उसके बाकी तीन बच्चे कावेरी से इतना घुल मिल गए थे कि वो उसे ही अपनी माँ मानने लग गए थे। तुलसाबाई को ये सब पसंद नहीं आ रहा था और उसने भाव राव से कह दिया कि वो केदार राव को अपनी पत्नी को समझाने के लिए बोल दे। केदार राव कावेरी को समझाने गया था और उन दोनों के बीच काफी झगड़ा हो गया। और जब भाव राव और तुलसाबाई वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कावेरी ने केदार राव को जान से मार दिया था। और इसके बाद कावेरी ने जिस चाकू से केदार राव को मारा था उसी से अपना पेट और गला भी काट लिया और उससे मारी गई। इसके बाद उस घर में मनहूस साया पड़ गया था और तुलसा के बाकी तीन बच्चे कुएं में कूद कर मारे गए। कुछ समय बाद तुलसाबाई के बड़े बेटे की शादी लक्ष्मी से हुई थी, जिसके बाद अपने आठवें मंथ की प्रेगनेंसी में लक्ष्मी पर कावेरी का बुरा साया पड़ा और उसके बच्चे की डेथ हो गई। इसके बाद उन लोगों ने अपने बड़े बेटे प्रताप राव की दो बार और शादी कराई, पर उसकी बाकी दो बीवियों का भी वही हाल हुआ और इस दौरान उन दोनों की डेथ भी हो गई। तुलसाबाई नेहा को बताती है कि अपने घर से कावेरी का बुरा साया हटाने के लिए उसने एक तांत्रिक की मदद ली थी, जिसने उसे बताया कि अगर इस घर में कोई 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत 3 दिन और 3 रात तक रह जाए तो इस घर से वो बुरा साया चला जाएगा। नेहा को अब समझ आता है कि लास्ट टाइम तुलसाबाई ने उसे कौवे और सांप की कहानी सुनाई थी उसका क्या मतलब था। वेल, इतने में ही नेहा फिर से बेहोश हो जाती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नेहा तुषार को ढूंढने लगती है, पर यहाँ घर में कोई भी नहीं था। नेहा बाहर जाती है जहाँ उसे जमीन पर वही रेडियो पड़ा हुआ मिलता है। नेहा इस रेडियो को देखकर घबरा जाती है और भाग कर रूम में चली जाती है। यहाँ रूम के अंदर उसे उन तीन बच्चों में से एक बैठा हुआ दिखाई देता है जो उससे कुछ ऐसा कहता है, तुम्हारे पेट में जो लड़की है वो लोग उसे भी ले जाएंगे। ये कहकर वो बाहर की तरफ भाग जाता है और नेहा उसके पीछे चल पड़ती है। नेहा उसके पीछे चलते चलते उसी कुएं तक पहुंच जाती है जहां वो तीन बच्चों को कुएं पर खड़ा हुआ देखती है और वो तीनों यहां कुएं में कूद जाते हैं। नेहा कुएं के अंदर झांकती है बट यहां कोई नहीं था। नेहा इसे अपने मन का वहम समझकर यहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, बट यहां एक अजीब चीज होती है। नेहा कोई भी रास्ता लेती है लेकिन वो बार बार घूम फिर कर उसी जगह पे वापस आ जा रही थी। ऐसा करते करते शाम हो गया था और वो काफी थक जाती है। इतने में ही उसे पास ही से भावरा और तुलसाबाई की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो घर के पीछे वाले रूम में जाकर छिप जाती है। सरप्राइजिंगली यहाँ आज ये रूम खाली नहीं था और यहाँ काफी सारी घास पड़ी हुई थी। नेहा उन्हीं में से एक घास के गठरी के पीछे छिप जाती है और वो देखती है कि एक और औरत यहाँ घास के पीछे छिपी हुई थी। इतने में ही भाव राव तुलसाबाई और एक आदमी यहाँ आते हैं और उस दूसरी औरत को ढूंढने लगते हैं। वो लोग उस औरत को ढूंढ लेते हैं और उसे यहीं जिंदा जला देते हैं। बट अचानक ही ये सब यहाँ से गायब हो जाता है एंड नेहा रियलाइजेस कि उसे किसी तरह के विजन्स आ रहे थे और ये रूम असल में बिल्कुल खाली था। जी हाँ दोस्तों, नेहा को वही रेडियो पड़ा हुआ दिखाई देता है एंड नेहा जैसे ही उस रेडियो को सुन रही होती है, एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि नेहा के ठीक बगल में एक ऑलमोस्ट बर्न्ड औरत आती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। नेहा इन सबसे बहुत डर जाती है और यहाँ से एक बार फिर भागने की कोशिश करती है, बट इट वॉज अ वेस्ट क्योंकि हर बार वो फिर से यहीं घूम फिर कर पहुंच जा रही थी। ऐसा काफी देर तक करते रहने के बाद नेहा यहीं फेंट होकर गिर जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है। नेहा को रियलाइज होता है कि पिछली शाम से उसने कुछ भी नहीं खाया था जो कि उसके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है और इसीलिए वो रूम के अंदर जाकर जो भी उसे मिलता है उसी को खाकर अपना पेट भरती है। खाना खाते वक्त उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वो विंडो से बाहर देखती है जहां उसे मूवी के ओपनिंग सीन वाला इंसिडेंट दिखता है जहां लक्ष्मी चाकू से अपना पेट काट लेती है। इसके बाद दो और औरतें यहाँ आकर ठीक वैसे ही अपना पेट काट लेती हैं एंड देन तुलसाबाई यहाँ अपने बेटे प्रताप राव के साथ आती है और उन दोनों औरतों को जान से मार देती है। नेहा को समझ आ गया था कि उसे ये सब विजन्स आ रहे थे और इन विजन्स का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसी बीच वहाँ वो बच्चे अपीयर हो जाते हैं। नेहा उनके पीछे जाती है और यहाँ वो घर के बाहर उसी रेडियो को देखती है जहाँ उसे दीवार के पीछे से एक प्रेग्नेंट औरत आते हुए दिखती है जो कि उन बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रही थी और ये औरत और कोई नहीं बल्कि कावेरी थी। खेलते खेलते कावेरी उन बच्चों को बताती है कि उसके पेट में लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और ये कहकर कावेरी नेहा की तरफ देखती है। यहाँ नेहा रियलाइज करती है कि कावेरी ही वो औरत थी जिसे उसने उस दिन रूम में जलते हुए देखा था। इतने में यहाँ राव और तुलसाबाई आते हैं और वो कावेरी को बोलते हैं कि अगर उसने लड़की को जन्म दिया तो उसे मरना होगा और उस पर हमला कर देते हैं एंड अचानक ही ये सब नेहा की नजरों के सामने से गायब हो जाता है एंड नेहा को कावेरी अपने सामने उसी रूम के आगे बैठी हुई दिखाई देती है जहाँ उसे जिंदा जला दिया गया था।
कावेरी उसे नाइफ देकर उसे भी अपने बच्चे को मार देने का इशारा करती है कि इतने में ही नेहा की आंख खुलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि नेहा खाना खाने के बाद सो गई थी और उसने ये सब अपने सपने में देखा था। वेल, अब दो दिन हो चुके थे और लास्ट दिन की सुबह उसे अपने सामने तुलसाबाई दिखाई देती है जो कि उसे बताती है कि नेहा ने एक लड़की को जन्म दिया है और प्रताप राव उसकी बच्ची के साथ खेल रहा है। यहाँ से नेहा बाहर भागती है और कुएं के पास उसे प्रताप राव उसकी बच्ची के साथ दिखता है। पासी में खड़ा भाव राव उससे कहता है कि इस सैक्रिफाइस के बाद उनकी फसल इस साल अच्छी होगी और इतने में ही प्रताप राव नेहा की बच्ची को कुएं में फेंक देता है। नेहा कुएं की तरफ भागती है और यहाँ आकर उसे कुएं में कई छोटी बच्चियों की लाशें दिखाई देती है। तभी नेहा को होश आता है जहाँ वो अभी भी प्रेग्नेंट थी एंड दिस वॉज अगेन सम काइंड ऑफ विजन। नेहा यहाँ से भागती है और दौड़ते दौड़ते उसके पेट में दर्द हो जाता है और वो थक कर बैठ जाती है एंड ये सीन एग्जैक्टली मूवी के ओपनिंग सीन जैसा हो जाता है जहाँ नेहा भी उसी तरह बैठ जाती है और वो तीन बच्चे यहाँ आकर उसे एक चाकू देते हैं। नेहा अपने बच्चे को मारने से मना कर देती है लेकिन तभी सामने से कावेरी की घोष्ट यहाँ आ जाती है जो नेहा पे काबू करके उससे उसके पेट पर चाकू चलवाने लगती है जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा का यहाँ पर तीन रात और तीन दिन पूरे हो जाते हैं और तुषार यहाँ आता है जो कि नेहा को बताता है कि रिचुअल पूरा हो गया था जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। तुलसाबाई और भावराव भी यहाँ जाते हैं लेकिन नेहा उनसे डरती नहीं बल्कि वो तुलसाबाई को एक कहानी सुनाने लगती है। दरअसल नेहा को सब सच पता चल चुका था और वो यहाँ बताती है कि कावेरी के साथ क्या हुआ था। भावराव की फैमिली अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए कई सालों से एक प्रथा का पालन करते आ रहे थे जहां वो हर साल न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड को सैक्रिफाइस किया करते थे। भावराव के छोटे भाई केदार राव की वाइफ कावेरी भी जब प्रेग्नेंट होती है तब वो लोग उससे उस बच्चे को जान से मार देने के लिए कहते हैं बट वो साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाना चाहती थी। केदार राव कावेरी को मारने लगता है जिसे वो तीन बच्चे देख लेते हैं। अब वो तीनों कावेरी को बचाने के लिए आते हैं और उनमें से एक कावेरी को सेल्फ डिफेंस के लिए एक चाकू दे देता है और खुद केदार राव से लड़ने लगता है। इसी बीच केदार राव कावेरी के हाथ में रखे चाकू पर ही अपने आप गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो बच्चे से डर के यहाँ से भाग जाते हैं। इतने में ही तुलसाबाई यहाँ आती है और कावेरी के हाथ में उस चाकू को देखकर वो सोचती है कि कावेरी ने ही केदार राव को जान से मार डाला। तुलसाबाई ये बात अपने बेटे प्रताप राव और अपने हस्बैंड भाव राव को बताने चली जाती है एंड कावेरी भागकर घर के पीछे वाले कमरे में छिप जाती है। यहाँ से हम वही सीन देखते हैं जो कि नेहा के विजन में आया था विच इज भाव राव तुलसाबाई और उनका बेटा प्रताप यहाँ आते हैं और कावेरी को जिंदा जलाकर मार देते हैं। कुछ दिनों बाद वो बच्चे जो कावेरी को अपनी माँ समान समझते थे वो कावेरी के डेथ के बाद एक साथ कुएं में कूदकर अपनी जान लेते हैं। नाउ तुलसाबाई और भावराव ने अपने बेटे प्रताप की शादी लक्ष्मी से कराई थी जिसे कावेरी की आत्मा ने सब कुछ बता दिया था और उसे कंट्रोल करके अपने बच्चे को अपने पेट में ही मार लेने के लिए कहा, नहीं तो वो लोग उस बच्चे को दुनिया में आने के बाद सैक्रिफाइस कर देते एंड लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। इसके बाद तुलसाबाई एंड भावराव ने अपने बेटे प्रताप की दो और बार शादी कराई बट हर बार ठीक ऐसा ही हुआ एंड नाउ हमें कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट पता चलता है। नेहा तुलसाबाई को बताती है कि उसे पता चल गया है कि प्रताप कौन है क्योंकि अपने विजन्स में उसने प्रताप को देख लिया था और यहाँ हमें पता चलता है कि तुलसाबाई और भावराव का वो बेटा जो शहर चला गया था वो और कोई नहीं बल्कि नेहा का पति तुषार ही था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल तुषार ने नेहा को फंसाया था और जब नेहा 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तब वो उसे अपने गाँव ले आया था। तुलसाबाई तुषार और भावराव ने बहुत कोशिश की कि नेहा को सच पता ना चले और वो अपने सैक्रिफाइस पूरा कर ले पर कावेरी ने नेहा को सब सच बता दिया था। अब यहाँ हम वो सीन फिर से देखते हैं जहाँ नेहा को भी कावेरी अपना बच्चा मार देने के लिए फोर्स करती है एंड यहाँ नेहा कावेरी को बोलती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है और उसे इंसाफ दिलाना चाहती है क्योंकि वो समझ गई है कि यहाँ क्या हुआ था और कावेरी रुक जाती है। भावराव नेहा से अपना मुंह बंद करने के लिए कहते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर वो अपना मुंह बंद रखेगी तो वो लोग उसे लक्ष्मी की तरह जिंदा छोड़ देंगे पर अगर वो किसी को ये सब बताने का सोचेगी तो वो उसे प्रताप की बाकी दो बीवियों की तरह जान से मार डालेंगे। यहाँ हम विंडो के पास लक्ष्मी को ये सब सुनते हुए देखते हैं। नेहा किसी की परवाह किए बिना यहाँ से बाहर निकलकर चलना स्टार्ट कर देती है और तुषार यानी कि प्रताप उसे मारने के लिए दौड़ता है एंड फाइनली लक्ष्मी जो इतने सालों से ये सब देखती आ रही थी और सहती आ रही थी वो तुषार पर हमला करके उसे जान से मार देती है जिसके बाद वो भाव राव और तुलसाबाई को मारने के लिए दौड़ती है। यहाँ नेहा बाहर जाने के रास्ते को देखती है और उन तीन बच्चों की घोष्ट यहाँ आकर नेहा को बाहर जाने का सही रास्ता दिखाते हैं एंड मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लपा छपी मूवी की कहानी और अब हम और आप मिलकर इस मूवी से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बात करेंगे।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल, भाव राव की फैमिली कई सालों से एक प्रथा को फॉलो करते आ रहे थे जिसके मुताबिक अगर उनके घर में कोई लड़की होती तो वो लोग उस लड़की को सैक्रिफाइस के तौर पर जान से मार दिया करते थे। एंड ऐसा ही कुछ भाव राव के छोटे भाई केदार राव के साथ होता है जब उसकी वाइफ कावेरी एक लड़की की माँ बनने वाली होती है। अब वो उसे बताता है कि अगर लड़की हुई तो उसे जान से मारना होगा, जिसके लिए वो साफ मना कर देती है और वो कावेरी को मारने लगता है। इतने में ही वो बच्चे यहाँ आ जाते हैं और हाथापाई में केदार राव की मौत हो जाती है। कावेरी के हाथ में चाकू देखकर तुलसाबाई को लगता है कि उसने ही केदार राव को जान से मार दिया है और वो अपने पति भाव राव और अपने बेटे प्रताप यानी कि तुषार को ये बात बता देती है और वो तीनों कावेरी को उसी रूम में जिंदा जलाकर मार देते हैं जहाँ वो छुपी हुई थी। कावेरी के मर जाने के बाद वो बच्चे भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देते हैं, जिसके बाद हर बार जब प्रताप की शादी हुई और उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला हुआ, उससे पहले ही 8th मंथ में कावेरी ने प्रताप की हर वाइफ को अपने काबू में करके बच्चे को जान से मरवा दिया ताकि वो लोग अपना रिचुअल परफॉर्म न कर पाए। प्रताप ही शहर में नेहा से मिला और उसे फंसा कर उसे शादी कर ली और यहाँ ले आया। नेहा बाकी औरतों से अलग थी क्योंकि वो कावेरी का सच समझ पाई थी और उसने अपने बच्चे को मारने की बजाय लड़ने का फैसला किया और कावेरी से वादा किया कि वो उसे इंसाफ दिलाएगी। दूसरी तरफ जब लक्ष्मी नेहा को अपने लिए लड़ते हुए देखती है तब उसमें भी हिम्मत आ जाती है और वो तुषार यानी प्रताप को उसकी फैमिली से अपना बदला लेने के लिए उन्हें जान से मार देती है। ये फिल्म हमें हमारी बैकवर्ड सोसाइटी का एक कड़वा सच दिखाता है जहां आज भी बेटी का जन्म एक अपशगुन के रूप में देखा जाता है और उसे पैदा होते ही या फिर कई बार गर्भ में ही मार दिया जाता है। गांव देहात में आज भी कई जगह लड़की के जन्म लेने पर उसे बलि चढ़ा दिया जाता है और ऐसा करके वो लोग अपने ऊपर से अपशगुन हटाने का विश्वास रखते हैं। यानी कि या तो वो लड़की के जन्म ले लेने को ही अपशगुन मानते हैं या उसे अपने पापों का फल समझकर खत्म कर देते हैं। एक और बात जो मूवी में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे की गई है वो इसका ये मैसेज कि औरतों को अपने हक के लिए बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि सालों से औरतें सब कुछ सहती आ रही हैं। अगर सब एक साथ मिलकर अपनी बेहतरी की तरफ कदम और आवाज उठाएंगी तो वो अपना हक ले सकती हैं। सो ये थी मूवी लापाछपी की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।